दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है, कमेंट को ही देख के बनाया हुआ है। फैटी लीवर है, साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम आपके अल्ट्रासाउंड में आई है, साथ में कब्ज भी आपको रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो इसमें आपको क्या मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, इसमें मैं आपको एक सिरप भी पहले बता चुका हूँ, सोरबिलाइन के नाम से। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो देखा है, तो सोरबिलाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हैं जो कि होम्योपैथी मेडिसिन से लेना चाहते हैं, होम्योपैथी में इंटरेस्ट उनको ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने बेनिफिट्स इसके देखे हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊँगा। सपोज़ कीजिए आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया जिसके अंदर फैटी लीवर ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 2 है, और आपके अंदर कोई ऐसी ज़्यादा परेशानी नहीं है, बस आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतलब आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, और उसकी वजह से आपको सीने में भारीपन, गैस ज़्यादा बनना, पेट में भारीपन होना, खाना खाने के बाद भारीपन बढ़ जाना, तो ये कॉमन से सिम्टम्स वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसी स्पेसिफिक परेशानी आपको नहीं है। तो जो लोग सोरबिलाइन यूज़ कर रहे हैं, मैंने बताया सोरबिलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरप है, एलोपैथिक है, जिसमें सोरबिटोल आपको मिल जाएगा और ट्रिकुलिन सिट्रेट उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सोरबिटोल सोल्यूशन उसके अंदर है, तो वो पेट साफ़ करने के में काफ़ी मदद करता है। आप उसको जाके देख सकते हो वीडियो को, या फिर आप जो सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं सोरबिलाइन का, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी की बात करते हैं, तो होम्योपैथी में कार्डोस मेरिनियस मदर टिंचर है, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है, जिनको लीवर प्रॉब्लम्स के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम भी रहती है, कि ठीक से पेट साफ नहीं है, और अल्ट्रासाउंड अगर हम करवाने जाते हैं तो वहाँ पे हमें फैटी लीवर मिलता है, स्टूल उनको काफ़ी हार्ड आती है, पेनफुल समटाइम्स वो हो जाती है, ज़्यादा जोर लगाते हैं तो पाइल्स की प्रॉब्लम भी उनको हो सकती है। तो कार्डोस मेरिनियस के अंदर ये 2-3 से सिम्टम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कि लीवर पर स्वेलिंग है, लीवर फैटी है, कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल हार्ड है, ड्राइनेस उसके अंदर है, और पेट में भारीपन भी है, भूख कम लगती है, तो इस तरह की समस्या है। तो होम्योपैथिक का कार्डस मरीनेस आप ले आइए, या आपको आसपास होम्योपैथिक स्टोर पे ऑनलाइन या कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। होम्योपैथी स्टोर या फिर होम्योपैथी डॉक्टर वो होने चाहिए। तो जान लेते हैं डोज आप इसको किस तरीके से लेंगे। सिंपली खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इस दवाई को लीजिए, 15 से 20 बूंदें हल्के से गुनगुने पानी में डाल के आप इसको पी लीजिए। सुबह, दोपहर, शाम आप इस दवाई को इस्तेमाल कीजिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद। मेन क्वेश्चन आता है कि जल्दी ठीक करने के लिए, जल्दी आराम के लिए आप कार्डोस मेरिनियस प्लस जो सोरबिलाइन सिरप है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो श्योरली मैं बोलता हूँ आप दवाई के साथ दूसरी पैथी की दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बस थोड़ा गैप देना होगा। सपोज़ कीजिए आप कार्डोस मेरिनियस आपने पी ली है और आप जो है अब सिरप पीना चाहते हैं, तो आप उसमें लगभग आधे घंटे का गैप आप कर लीजिए, लगभग 15 से 20 ml सिरप आप इस्तेमाल कर लीजिए, 15 से 20 ml नॉर्मल पानी में ही डाल के आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। वो कोई ऐसा लैक्सेटिव नहीं है कि वो आप तभी यूज़ करें, रात में ही यूज़ करें, ऐसा नहीं है, वो ऐसा पावरफुल लैक्सेटिव नहीं है, वो फैटी लीवर प्लस कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी कंबाइंड मेडिसिन एलोपैथिक में पहले से चली आ रही है। तो आप दोनों मेडिसिन साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आराम कब दिखेगा, 2-3 दिन से ही आपको काफ़ी आराम होना शुरू हो जाएगा, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, और धीरे धीरे करके आपके पेट के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, फैटी लीवर था, ठीक होगा। बट आपको अपनी डाइट भी ठीक करनी होगी, हमेशा की तरह फैटी लीवर है, लीवर के अंदर प्रॉब्लम्स है, या फिर आपकी LFT लीवर फंक्शन टेस्ट आपके गड़बड़ा रहे हैं, जो एंजाइम्स हैं वो बढ़े आ रहे हैं, तो आपको ठीक करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए आपको इसमें परहेज, एक्सरसाइज, वेट लॉस और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तब जाके ये सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो क्या होता है, मेन प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम मेडिसिन चल रही हैं तो आराम है, मेडिसिन छोड़ने के बाद फिर से प्रॉब्लम हो गई है। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करनी है। अगर आप दूध पीना स्टार्ट करते हैं तो दूध बिल्कुल आप फैट वाला हटा दीजिए, उसकी मलाई उतार के आप पीजिए। चीनी के साथ दूध इस्तेमाल मत कीजिए, शक्कर के साथ, जो गुड़ वाली शक्कर है आप उसके साथ आप दूध को जरूर पीजिए, जिससे आपका पेट भी साफ हो और आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये है दोस्तों मेरा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, और SGPT और SGOT के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ जाके आप उनको जरूर चेक कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।